हूँ, प्रोड्यूसर हूँ और जॉन फिल्म अकेडमी जॉन फिल्म प्रोडक्शन से। हम लोगों ने शुरुआत की है कि स्टूडेंट्स को लेकर जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको लेकर शॉर्ट फिल्म बनाई जाए, लेकिन वो बिल्कुल कमर्शियल वे में बनाई जाए, मतलब प्रॉपर जिस तरह से एक शॉर्ट फिल्म बनती है, वेब सीरीज बनती है, सीरियल्स बनते हैं, प्रॉपर लोकेशन लेके, प्रॉपर कास्ट एंड क्रू के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, पूरे मार्केटिंग टर्म्स जो यूज होते हैं प्रोडक्शन में उसको लेकर ही फिल्म बनाई जाए। वो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट ना हो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो क्लासरूम में एक्सपीरियंस दिया जाता है वो एक्सपीरियंस तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन जो फ्लोर पर एक्सपीरियंस मिलता है वो टोटली डिफरेंट होता है। वो भी एक स्टूडेंट को अगर मिल जाए तो उसके लिए बहुत सुविधा हो सकती है, क्योंकि जब वो पहली बार शूट पे जाता है कोई भी व्यक्ति जाए तो बड़ा नर्वस होता है, थोड़ा सा डरा हुआ होता है, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस उसको ट्रेनिंग के दौरान ही मिल जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके साथ साथ उसको एक डिजिटल एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड है तो उसका प्रेजेंस होगा तो उसको फायदा हो सकता है, उसको एक वर्क लिख मिल सकता है, उसको जो काम करने का अनुभव मिला, जो नेटवर्किंग करने का अनुभव मिला, क्योंकि मार्केट के डायरेक्टर के साथ बाकी फिल्म के साथ वो काम करा, चाहे वो एडिटर हो, कैमरामैन पर्सन हो, अदर आर्टिस्ट हो, और इसमें हम लोग कई बार एस्टेब्लिश आर्टिस्ट को भी लेकर आ रहे हैं ताकि सबका मिला जुला के एक ऐसा प्रोजेक्ट बने जो उनको भी फायदा पहुंचाए, अनुभव के उस पर भी कमर्शियल फायदा भी पहुंचाए, और एज ए स्टूडेंट, एज ए आर्टिस्ट, एज ए एक्टर सेटिस्फेक्शन भी दे कि हाँ मैंने सीखा तो मैंने कुछ किया भी। तो इसी उद्देश्य से ये शॉर्ट फिल्म शुरू की गई, जिसको कि जॉइंट फिल्म ओरिजिनल जो कि चैनल है उस पर रिलीज हो रहा है, और इसके साथ साथ और भी चैनल्स पर जैसे रिलायंस के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो रहा है, इसके साथ साथ एमएक्सन और एमएक्स प्लेयर, हंगामा और बाकी ओटीटी पे भी ये बहुत जल्दी इस तरह की शॉर्ट फिल्म हमारी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे साथ के डायरेक्टर हैं रमेश जी, उनके एजेंसी हैं, राइटर हैं बहुत ही और बाकी आर्टिस्ट भी हैं, और मेरा मानना है कि जो पहला स्वाद होता है मीडिया का वो अगर एक्टर पहली बार में चख लें तो जरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इसके लिए भी उनको काफी वेट करना पड़ता है, उसके लिए आप लोग सब यहाँ पर हैं, तो वो शुरुआत से अगर मोटिवेशन मिल जाए तो बहुत बेटर होता है, यही मेरी मंशा है। यहाँ पे जो बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है क्या होता है, बाकी कई जगहों पर तो मतलब लोगों को मतलब क्लास में ट्रेनिंग मिलती है राइट, लेकिन वही बच्चा जब इंडस्ट्री में कैमरे के सामने एक्टिंग करता है तो वो डर जाता है राइट, तो वो उसका डर निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को वो जो डर है वो डर निकाल रहे हैं, और मतलब वैसा नहीं कि मतलब छोटे से कमरे में हम लोग ने शूट कर लिया, हम लोग बाकायदा जो भी लोकेशन होते हैं वो हायर करते हैं, जो भी टेक्नीशियन होता है फिल्म इंडस्ट्री को वो हायर करते हैं, हम लोग डीओपी हायर करते हैं, वैसा नहीं कोई एक नया बंदा है डीओपी उसको ले लें, नहीं, हम लोग प्रॉपरली खर्चा करते हैं और जो भी स्टूडेंट होते हैं उसको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि भाई इंडस्ट्री में इस तरह से काम होता है, और हम लोग वैसा नहीं कि फटाफट शूट करें, वहां पे भी हम उसको सिखाते हैं कि भाई क्लोजअप है तो आपको किस तरह से एक्सप्रेशन देना है, लॉन्ग शॉट है तो आपको, तो उनको क्लासरूम की ट्रेनिंग मिलती है, उसके साथ साथ ऑन लोकेशन भी ट्रेनिंग मिलती है। तो बच्चा जब यहाँ से निकलता है, स्टूडेंट जब यहाँ से निकलता है तो इंडस्ट्री में जाता है, तो कैमरे के सामने जब एक्टिंग करता है तो वो परफेक्ट एकदम रेडी होता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जगह पे क्या, कभी कभी हम लोग, जैसे मैं तो इंडस्ट्री में कई सालों से काम करता हूँ, लेकिन जब कोई नया बंदा आता है कैमरे के सामने तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब वो पसीना पसीना हो जाता है, तो उसको पहले रिलैक्स करना पड़ता है, उसको बताना, तो वहां पे भी डायरेक्टर का टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जब यहाँ से स्टूडेंट निकलता है इस तरह से, उसको मतलब एक अच्छी सी शॉर्ट फिल्म में उसको चांस मिलता है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता है, तो जब बाहर जाएगा, कैमरे का सामना करेगा, इंडस्ट्री में जाएगा, तो ही विल बी कॉन्फिडेंट राइट। तो यहाँ से जॉइंट फिल्म में हम लोग बच्चों को मतलब सिर्फ ट्रेनिंग के साथ साथ उन लोगों को ऑन लोकेशन ट्रेनिंग भी देते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है राइट। हम लोग ने क्लासरूम में ट्रेनिंग तो दे दिया, लेकिन ऑन लोकेशन जो ट्रेनिंग होती है वो मेन ट्रेनिंग होती है कि कैमरे के सामने किस तरह देखना, राइट ऑफ कैमरा, लेफ्ट ऑफ कैमरा, कितना मूव करना, कैसे एक्सप्रेशन देना है, लॉन्ग शॉट है, क्लोज शॉट है, ये सब उसको मतलब नॉलेज होना जरूरी है। तो इस तरह की सारी हम जो भी उनको नॉलेज होते हैं एक अच्छे माध्यम से हम लोग देते हैं, और विवेक सर साथ में है जो मतलब वैसा नहीं कि छोटे से बजट में एक फिल्म बना ली, अच्छा खासा हम लोग उनके ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं राइट, ताकि आज जो भी यहाँ पे जॉइंट फिल्म में स्टूडेंट आए वो बाहर निकल के एक अच्छा अपना एक फ्यूचर वो बनाए। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जब क्या होता है, जब स्टूडेंट कहीं भी जाते हैं तो थोड़े दिन में मेंटर के साथ तो बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनके सामने वो एक्ट भी करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं तब प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में वो जो नया चेहरा है उसका भी जो स्वाद होता है वो यही चख लेते हैं, क्योंकि रमेश सर उनसे एक्टिंग क्लासेस में नहीं मिलते, जैसे ये डायरेक्ट किया है तो सीधे फ्लोर में मिले, तो जब फ्लोर पे आपने उन आर्टिस्ट को देखा, नए आर्टिस्ट को देखा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा, मैं भी जानूं। सी यहाँ से बच्चे आते ना तो उनको ट्रेनिंग तो दी होती है, मतलब
उनको पता होता है क्या करना है, क्योंकि सारी क्लासरूम की जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पे मिलती है। तो जब वहाँ पे आते हैं तो उनको पता है कि मेरे को एक्टिंग कैसे करना है, जहाँ पे उनको मतलब कैमरे के सामने की भी मतलब एक्टिंग किस तरह करना है। तो वहाँ पे बच्चे आते हैं तो मतलब 99% लोग रेडी होते हैं, राइट। थोड़ा बहुत उनको गाइड करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो जो क्लासरूम ट्रेनिंग है तो यहाँ पे परफेक्ट उनको ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। जैसे यहाँ पे फैकल्टी आपको फ्लोर पे क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? अच्छा सी, फ्लोर पे तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो बच्चे आते हैं तो मतलब अलग अलग बच्चे आते हैं तो उन लोग के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस ये रहता है कि उनको सिखाने के लिए मजा आती है। ठीक, क्या होते हैं बड़े बड़े एक्टर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सर आपको ये करना, ये करना, ये करना। जब इनको हम लोग डिटेल में सिखाते ना तो बच्चे का जो इनपुट आता है ना उसमें मजा आता है। सी, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं जैसे भी शाका लाका बुम बुम चाचा चौधरी, हम लोग डायरेक्ट करते थे बच्चे। तो बड़े बड़े लोग होते हैं तो हम लोग खाली बोलते हैं सर इतना इतना, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, लोग फटाफट फटाफट कर जाते हैं। लेकिन जब ये बच्चे आते हैं ना, कभी कोई इनमें से भी हम लोग को सीखने मिलता है। छोटी इसी अकेडमी का नहीं, ये पूरी तरह से हमारा डेडिकेशन है कि जो पहले होता ना, पहले घर की जिम्मेदारी पूरी कर लें, पहले तो घर की जिम्मेदारी पूरी करें, उसको अच्छे से निभाएं, फिर हम हाजिर भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब अकेडमी में कोई स्टूडेंट आता है तो पूरी श्योरिटी देते हैं कि भाई अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम देंगे। बिल्कुल, ये सवाल में छुपा हुआ शक है। हमारे यहाँ ऐसी कोई भी गारंटी वर्ड यूज कभी भी हम लोग नहीं करते। मेरा पर्सनल मानना है कि अगर हमें उनको बोल दूंगा कि भाई आपको एक शॉर्ट टर्म मिलेगी गारंटी, प्लेसमेंट मिलेगा गारंटी, तो उसको सीखने में उतना मन नहीं लगेगा। हम यही कहते हैं कि आपको क्लासरूम में कैमरा प्रैक्टिस मिलेगी और आपको एक्सपीरियंस के लिए सीखने को मिलेगा, वो एक अनुभव के तौर पर हम उसको प्रेजेंट करते हैं। कितने मिनट की फिल्म है ये सब अलग अलग होता है, कोई 12 मिनट की होती है, कोई 18 मिनट की होती है, सब अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। हाँ, और ये पूरे जॉइंट फिल्म्स ओरिजिनल पर अवेलेबल है। ये पहली बार हम शेयर कर रहे हैं मीडिया के साथ, ऑलरेडी इसकी तकरीबन 20 फिल्में वहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। आपने काफी डिजिटल जैसे रिलायंस का नाम लिया है, ये भी अगेन प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अभी जो हमारी बात हो रही है वो सारी फिल्में जो अभी तक की हैं वो सारी अवेलेबल है, वो नॉन एक्सक्लूसिव है, नॉन एक्सक्लूसिव। क्या है डायरेक्टर साहब, ज्यादा बेहतर बताइए। मैं आपको मतलब ये एक वैसी शॉर्ट फिल्म जहाँ पे लोगों को मैसेज दिया है, आजकल का जो जनरेशन है तो उनके रिलेटेड ये है। जैसे ब्लैकमेल है वो आज के जनरेशन के लास्ट चलती है आज के, तो आज के जनरेशन के बच्चे मतलब जो उनकी जो समस्या होती है उसके ऊपर, राइट। तो मैं आपको यही बोलूंगा, ज्यादा मैं स्टोरी आपको बताऊंगा नहीं, आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। नाइट स्कूल एक ऐसी कहानी है, कभी कभी क्या होता है लोग एजुकेशन मतलब नहीं लेते तो उनको दिल में कहीं ना कहीं एक मतलब छोटी मतलब ये रहती कि यार काश मैं पढ़ा होता तो, पता है कोई मतलब कभी भी मतलब छोटी नौकरी कर रहा है तो ये कर रहा है, राइट, टाइम पास कर रहा है। लेकिन कभी कभी उनके पेरेंट्स भी उनको बोलते हैं तू थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो, राइट। तो ये स्टोरी वैसे लड़कों के ऊपर रिलेटेड है, मतलब जो टाइम पास कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा यार कभी कोई जा रहा है तो उसको देख के उसको फील होगा यार शायद मैं पढ़ा होता तो अच्छा होता, आज यहाँ पे मैं टाइम पास नहीं करता, राइट। कई लोगों को होता है कि यार मैं थोड़ा पढ़ा होता तो, मेरे बाप बराबर बोलता था थोड़ा पढ़ा होता था। तो वैसे लोगों के ऊपर एक ये स्टोरी है जिनको दिल में लग रहा है कि अगर शायद थोड़ी स्टडी की होती तो माँ बाप की बात मान ली होती तो ये कंटेंट है उसका। अच्छा, ये जॉइंट फिल्म एकेडमी ये एक्टिंग या मतलब प्रोडक्शन है, क्या है बेसिकली? जॉइंट फिल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस है, जॉइंट फिल्म्स एकेडमी एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, उसके साथ साथ फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग सभी पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन मेन जो बात इसको अलग करती है वो है प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब यहाँ पर है लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स, लर्न फिल्म मेकिंग बाय मेकिंग अ फिल्म्स, मतलब पूरी तरह से जो फिल्म में करना पड़ता है वही यहाँ पे सिखाया जाता है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और उसके साथ साथ एक प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग वेब सीरीज प्रोडक्शन करते हैं, मैंने भी पहले फीचर फिल्म्स भी बनाई हैं हिंदी में, भोजपुरी में, और कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। और अब ये इसके साथ साथ हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि अवेयर करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है सारे नए कलाकारों को पूरे हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान से बाहर भी, जिसके अभी तकरीबन 2 मिलियन सब्सक्राइबर बेस होने वाला है, तो उसके थ्रू भी हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। सर, आप इस तरह से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मैं एज एन एडिटर जुड़ा हूँ और जॉनसन से, बट हम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हम क्या करते हैं, जो एक्सेल जिसमें एक्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट, तो जब भी सिर्फ एडिटिंग एक्टिंग और प्रोडक्शन ही सब कुछ नहीं रहता है एक्टर को जानना, जब आप पोस्ट प्रोडक्शन भी एक्टर को जानना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जहाँ पे अगर कोई भी एक्टर को पता चल गया कि मेरी कंटिन्यूटी मिस्टेक्स हो रही है, मेरी डायलॉग किधर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कहाँ पे गलत एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, वो सब हम एडिट में उनको नॉलेज देते हैं। जैसे कि इसमें लास्ट नाइट स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लो, द नाइट स्कूल का, कि इसमें जो एक्टर्स है उनको हम एडिट पे भी बताते कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई। हम इसको सिर्फ एडिट के प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं देखते, हम यहाँ पे भी टीचिंग दिखाते हैं कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि ये इन हाउस हमने इसके लिए किया है सब कुछ, ताकि जो एक्टर यहाँ पे सीखने आता है या कोई भी फिल्म मेकर यहाँ पे सीखने आता है उसको पता चले कि कहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं जुड़ा हूँ, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि सिर्फ एडिटर की तरह नहीं जुड़ा हूँ, मैं इसमें एज एन मेंटर भी जुड़ा हूँ लास्ट तक, कहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट को अच्छा लेके जाए। और यहाँ पे जो टेक्निकल बात आती है, जो एडिटिंग स्टाइल हो गया, कलर ग्रेडिंग स्टाइल हुआ, वो प्रॉपर प्रोफेशनली होता है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लेवल पे होगा। आप कंटेंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जैसे फिल्म में काम होता है वैसे ही यहाँ पे काम होता है, बस यहाँ पे स्टूडेंट्स सीखना है उनसे ही काम किया जाता है और प्रोडक्ट को अच्छा बनाया जाता है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम पांडव सूर्यवंशी है, मैं बिहार से हूँ और मैं जॉनसन का स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ से एक्टिंग सीखी है, मुझे यहाँ से काम भी मिला है और अभी मैंने एक शॉर्ट मूवी में जो काम किया हूँ द नाइट स्कूल में, क्योंकि मैं मीडिया के काम में फर्स्ट टाइम हूँ तो मैं काफ़ी नर्वस हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका और मुझे सेट पर काफ़ी चीज़ सीखने के लिए भी मिला है यहाँ से, क्योंकि मेरा इसमें एक ब्लैक मेलर का कैरेक्टर था और मैंने उसे अच्छी तरह से निभाने का कोशिश किया। हमारे डायरेक्टर सर रमेश जी ने काफ़ी चीज़ बताया मुझे और आप मूवी को देखिए, उसके बाद काफ़ी अच्छा। थैंक यू। अच्छा, मेरा नाम आशीष बिष्ट है। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन में भाग लिया था और कुछ एक ड्रामा भी किए थे, लेकिन उसके बाद 35 साल मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा, 10 साल स्टेट बैंक में और 25 साल मैं एक्सिस बैंक में था, तो मेरा एक्टिंग से पूरा नाता छूट गया था। अब जब बच्चों को नौकरी लग गई है तो मैंने फिर अपनी नौकरी छोड़ी और अपना एक्टिंग का पैशन शुरू किया और फिर मैंने जॉइन फिल्म ज्वाइन किया एंड जॉइन फिल्म में आपको मैंने एक्टिंग का कोर्स किया एंड आई ऑल्सो डिड डबिंग का कोर्स, तो ये दोनों कोर्स किए एंड मुझे ऑफकोर्स पब्लिक में बात करने का कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज आई हैव बीन एड्रेसिंग गैदरिंग्स, लेकिन कैमरा फेस करना ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि यहाँ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ दूसरे आर्टिस्ट भी हैं, उसके साथ आपको करना। सो हम सीख तो जाते हैं थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली क्या करना है दैट वी लर्न वाइल शूटिंग। और रमेश साहब तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, बहुत कोऑपरेटिव, हंसी मजाक भी करते थे, हमने कभी अगर कुछ गलतियां भी कर ली तो उसे समझाते वक्त हंसी मजाक में समझाते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक घरेलू माहौल था जहाँ पर जब हमने शूट किया, मैं ब्लैकमेल में हूँ, जो लड़की है उसके फादर का रोल कर रहा हूँ एंड आई थिंक आप सब लोगों को शायद ये पिक्चर अच्छा लगे। सो थैंक यू जॉइंट फिल्म एंड थैंक यू टू ऑल माई को आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर परमार साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं एक डेढ़ साल से जॉइन फिल्म यूट्यूब पे देख रहा था, तो लगता था कि आज बार ज्वाइन करें, मैं कभी मैंने स्टेज डेयरिंग नहीं थी, ना कभी डांस किया, ना कभी एक्ट किया, ना कभी थिएटर किया था गांव में। आने के बाद लगा कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहला सवाल ये था। 8 दिन के बाद ही मुझे एक शॉर्ट फिल्म मिली थी, यही शूट हुई थी, तो कम्फर्ट जोन था, तो लगा कि यार इजिली हो जाएगा। बट जब 3 महीने के बाद हमारा शूट प्रॉपर ऑडिशन हुआ था, ऐसा ही नहीं कि स्टूडेंट यहाँ के थे तो उठा लिया हाँ चलो हो गया, नहीं, यहाँ पर भी प्रॉपर रमेश सर ने ऑडिशन लिया था और जो बंदे कैरेक्टर में जा रहे थे उन्हीं को सिलेक्ट हुआ था। फिर जब बाहर गए और जब शूट हुआ तब पता चला कि हाँ कंफर्ट जोन जो होता है, उसके बाद इंडस्ट्री में कैसे काम होता है ये रमेश सर ने सिखाया, क्योंकि उनका जो वहाँ पे ट्रीट था, तो आपसे हो रहा है तो ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो तो उनका जो ट्रीटमेंट था वो भी कुछ बहुत सब सिखाने जैसा था। तो मैं थैंक्सफुल हूँ सर के लिए कि
डायरेक्टर के साथ ये कैसे काम किया जाता है वो भी उन्होंने सीखने को मिला उनसे, और सर का भी धन्यवाद जो 1.5-2 साल से मैं उनको फॉलो कर रहा था उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम विशाल विश्वकर्मा है और मैं जॉइंट फिल्म्स के साथ कुछ करीबन 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इन सब की तरह प्रैक्टिकल क्लास नहीं किया, मैं ऑनलाइन क्लास किया हूँ जॉइंट फिल्म का। उसमें भी जैसे इन्होंने बोला कि ऑडिशंस लिए गए थे, मेरे भी ऑनलाइन में 200 बच्चे थे उस टाइम पे जब ऑडिशंस लिए जा रहे थे, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। और यहाँ आने के बाद जब एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है प्रोफेशनली, तो जब सेट पे ऑन सेट जब कैमरा फेस किया मैंने तो बहुत ज़्यादा मददगार रमेश सर ने जो डायरेक्शन किया हमें कि किस तरह से डायलॉग डिलीवर करना है वाइड शॉट पे और क्लोज शॉट पे, वो चीज़ बहुत ही हेल्पफुल रही उस वक्त पे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास मैंने कभी किया नहीं था कि कैमरा के सामने कैसे डिलीवर किया जाता है डायलॉग। तो ऑन सेट रमेश सर ने बहुत ही हेल्प की थी उस टाइम पे, और हमारे को एक्टर्स, ये मेरे को एक्टर थे, मैं नेट स्कूल में मुन्ना का मेरा करेक्टर है, तो को एक्टर के साथ जो ट्विनिंग थी हमारी वो भी बहुत अच्छी थी। तो आगे आप लोग देखिए जैसा फीडबैक मिले। थैंक यू। हेलो, मैं यूपी प्रयागराज का रहने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं प्रयागराज से था, तो मेरी यूपी टर्म वैसे भी फेमस है अवधी लैंग्वेज, तो उसी हिसाब से मैं आया यहाँ पे, वर्किंग हो रही थी तो सर आए जो कास्ट कर रहे थे मुझे देखा, तो उनको लगा कि कुछ कर पाएगा बंदा, मैं तो पहली बार मतलब मैं फर्स्ट टाइम मेरा ये है शॉर्ट फिल्म कि हाँ कुछ करूँगा कुछ नहीं, मुझे कन्फ्यूजन थी, पर सर ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं करो तुम देखते हैं जो होगा, तो मैंने गया, मुझे बहुत प्यार से समझाया उन्होंने शॉर्ट फिल्म में, और मेरा कैरेक्टर है शेयरिंग ऑटो में, मेरा ड्राइवर का कैरेक्टर है, आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। वाह, ओके ओके, तो मुझे ओके वीरेन सर, जैसा कि आपने शॉर्ट फिल्म्स जो हैं और आर्टिस्ट और भी रहे होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स और भी रहे होंगे जॉइंट फिल्म्स के, यहाँ सिर्फ 5 स्टूडेंट्स दिखाई दे, तो इसमें भी ऐसा रहता है कि जो स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हो चुके हैं उनको आप शॉर्ट फिल्म्स दे रहे हैं या कैसा है, मतलब उस बारे में? देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर जैसा इंडस्ट्री का है वही प्रोटोकॉल हम भी फॉलो करते हैं कि ऑडिशन होता है बाकायदा, ऑडिशन में जो जो सेलेक्ट होता जाएगा वो एक बार भी हो सकता है, एक बार से ज़्यादा बार भी हो सकता है, और फिर उसको वहाँ पे चांस मिलता है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं एकेडमी से आया हूँ मुझे प्रिविलेज मिल गया है, वो नहीं लगना चाहिए, वो माइंडसेट उसका नहीं बनना चाहिए। तो जैसा कि अभी मुंबई में ही नहीं बल्कि बाहर भी, मुंबई से बाहर भी कई सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे एक्टिंग एकेडमीज हैं, तो जॉइंट फिल्म्स किस तरह जो उन सारे एकेडमी से भिन्न है, थोड़ा आप बीच में बताएंगे? नहीं, भिन्न है ये तो खैर अब सभी कहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे नीलम मुंडल है पंजाब में, इस समय जी पंजाबी में मेन लीड कर रहे हैं 42 ईयर्स की है, और करीब 20-22 लोगों के तो मैं जॉब छुड़वा चुका हूँ, जिसमें से आप कई लोगों के इंटरव्यू देख चुके होंगे जिनको मैंने ट्रांजिशन दिया, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाते हैं, हम एक सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रगल है वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, जब डाउनफॉल आए, डिप्रेशन आए, डिसअपॉइंटमेंट मिले, उसको कैसे डील किया जाए उस पर भी काम किया जाता है, अप्रोचेस कैसे की जाए उस पर भी काम किया जाता है, तो उस लेवल पे ये उस लिहाज से बहुत अलग हो जाता है। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं वो पुराने पैटर्न को ही अपनाया जा रहा है एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि NSD से चल के आया है, और अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, तो हमने ज़्यादा कैमरा एक्टिंग पे, टेक्निकल एक्टिंग में आता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये टेक्निकल एक्टिंग है, उस पर फोकस करते हुए स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड जो हमारा 2019 में आया था, जो कि बेस्ट सेलर रहा अमेजोन पे, जिसको मैंने लिखा था, उस पर बेस्ड करके ही पूरा सिलेबस तैयार किया है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइंस पर बेस्ड है, इसलिए इंस्टेंट रिजल्ट देता है कि अगर कोई 10 मिनट एक्सरसाइज करेगा वोकल की, तो उस टाइम पे सारे स्टूडेंट्स की वॉइस में चेंज वो खुद फील करेंगे, मतलब इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, तो उसको हम ध्यान देते हैं। फिर साथ में ये भी है कि ये अकेली एकेडमी है जहाँ पे डबिंग क्लास भी होती है, और बाकायदा स्टूडियो में प्रैक्टिकली कराई जाती है, इस फिल्म में भी डबिंग कराई गई है, तो डबिंग भी सिखा दी जाती है, इसलिए कि अगर उनको कल को सर्वाइवल का कोई प्रॉब्लम आता है तो एक्टिंग में चांस मिलने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा टाइम लगता ही है, लेकिन डबिंग में उनको चांस जल्दी मिल सकता है, तो अप्रोच ये है कि वो कमर्शियली जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो, जिस में उद्देश्य की वजह से वो यहाँ पर आए हैं मुंबई में। राइट,
आप ये कह सकते हैं उनकी फीस के मुकाबले हमारी फीस 30% है विद दिस एक्सपोजर की डबिंग भी स्टूडियो में सिखाई जा रही है, प्रोजेक्ट भी दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल रेगुलर कैमरा प्रैक्टिस कराई जा रही है और लाइफ टाइम गाइडेंस दी जा रही है। मतलब अगर स्टूडेंट एक साल बाद, छः महीने बाद कभी भी प्रॉब्लम में आता है, उसको कोई डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है, करियर गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको उसकी फैमिली मेम्बर को भी कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो भी वो डायरेक्ट मुझसे आके कनेक्ट कर सकते हैं और करते हैं और बात करते हैं। देखिए फेवर नेपोटिज्म जॉइंट फिल्म से तो फैलाऊंगा फिर मैं, वो तो है, क्योंकि नेपोटिज्म है क्या, नेपोटिज्म सिंपल सा है कि माँ बाप के अनुभव का एक्सपीरियंस का फायदा उनके बच्चों को मिलता है, तो जो मेरा अनुभव है 25 साल का इंडस्ट्री में वो मैं अपने एकेडमी के बच्चों को तो दूंगा, तो वो नेपोटिज्म का फायदा काफी आउटसाइडर को मिलने वाला है जॉइंट फिल्म से, वो तो तय बात है। लेकिन ये एक शुरुआत है, इसको हमको एक शुरुआत की तरह देखना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कलाकार कलाकार होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट से निकले कहीं से भी निकले, और मेरे प्रोजेक्ट्स में कई जो मैं अदर करता हूँ, दिल्ली वाला दिल हमने वेब सीरीज की और वेब सीरीज की, उसमें हमने बाकी लोगों को भी लिया, बाकी भी इंस्टीट्यूट के बच्चे आए उनको भी लिया, कोई थिएटर के आर्टिस्ट आए उनको भी लिया, तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाया हुआ कि हम सिर्फ इनको फेवर करेंगे, हाँ लेकिन इनके लिए हमारा एक कमिटमेंट है। राइट वो भी करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमने वेब सीरीज वगैरह का प्रोडक्शन किया, अपना प्रोडक्शन किया, तो उसमें इन्होंने सारे एस्टेब्लिश आर्टिस्टों के साथ ही काम किया और उन लोगों का भी फीडबैक मेरे को बहुत अच्छा मिला था कि इस सब ने बहुत अच्छे से काम किया। दादा फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड कब मिला, कैसे? ये 2019 में मिला था, खासतौर से इसमें जो मेरे को पता चला था वो ये था कि YouTube पे पहली बार जॉइंट फिल्म्स ने अपना एक चैनल शुरू किया जो अवेयरनेस कैंपेन था, और उसको लोगों का बहुत प्यार मिला, जहाँ पर एक तरफ डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड चल रहा था, वहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे मेहनत करनी है, क्या एक्चुअल चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मैंने ये बताया कि कुछ बेसिक बातें जानकर आ जाओ, और आपको ये बताते हुए मुझे प्राउड भी फील हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि आज की डेट में 4000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं, डेली एक वीडियो रिलीज होता है, लॉकडाउन में भी सब लॉक हो गया लेकिन जॉइंट फिल्म्स के वीडियो आने बंद नहीं हुए। मैं स्पेशली करीब 64 डेज तक लाइव गया डेली, इसलिए कि जो आर्टिस्ट लोग हैं वो डिप्रेस ना हो, क्योंकि उस टाइम पे सुशांत सिंह वाला केस भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट में चल रही थी, मैं डेली लाइव गया, और ये जॉइंट फिल्म के चैनल के इतने वीडियो हैं कि अगर कोई देख ले तो मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि इसके 3-5 साल की स्ट्रगल कम हो सकती है। नहीं, लड़के भी और कम दिख रहे हैं आपको जो इस फिल्म में हैं, बिकॉज ये भी अच्छी बात है कि कुछ काम कर रहे हैं, कुछ घर गए हुए हैं, और गर्ल्स भी हैं, गर्ल्स ने काम किया हुआ है लेकिन आज वो अवेलेबल नहीं है, अच्छा है कि वो शूट कर रहे हैं। एक्टिंग, एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और डबिंग।